नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हो सभी लोग? गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाइए। क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। पीटेट को एग्जाम को देखते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, कोई गैपिंग मत करिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई में कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैप हो गया तो पढ़ने का रिदम टूट जाएगा, ध्यान रखना। और एक बार अगर रिदम टूट गया तो रिदम बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, जान लेना। चलती हुई गाड़ी कितनी भी स्पीड को कवर कर सकती है, लेकिन एक स्टार्ट हुई गाड़ी को समय लगता है उस स्पीड पर जाने में, है ना दोस्तों। इसलिए फटाफट एक बार सभी मित्र शेयर करेंगे और साथ में जुड़ जाएंगे क्लास में। जल्दी से दोस्तों, फटाफट जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। एक बार जल्दी से सभी मित्र शेयर करिए और क्लास को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बार आएंगे सभी लोग। सभी को एक बार फिर से राम राम, गुड आफ्टरनून। ठीक है, शुरुआत करेंगे क्लास की दोस्तों। एक बार जल्दी से शेयर करिए, सभी मित्र शेयर करिए और क्लास को शुरू किया जाए फिर से। आज मैं लगभग सवाल तो बहुत लिया हूं, देखा जाएगा कितना हम लोग एक डेढ़ घंटे में जा सकते हैं, उतने पे क्लास आज चलेगी। लेकिन पहले दोस्तों शेयर करिए, संख्या को बढ़ाइए। संख्या अच्छी होती है तभी पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आता है। अदरवाइज दोस्तों एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप लोग लापरवाह हो जाते हो, है ना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर करेंगे। देखते हैं कौन कौन भाई मेरे साथ लाइव हैं। भीवन राम जी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। पुष्पेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। सौरभ, हेलो बेटा। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से शेयर करिए फटाफट दोस्तों, जल्दी से शेयर करें। ठीक है, जल्दी से। नंद किशोर, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून नंद किशोर जी। ठीक है, रंजीत जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। तनुजा, आप अपने में ही बात करने में हमेशा मस्त रहती हो, क्लास में ध्यान दो, नहीं पढ़ना है तो फिर हट जाओ। जबरदस्ती यहाँ पर लाइव हो गए, दूसरों को डिस्टर्ब न करें। जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दें, जिनको पढ़ना है वो पढ़ें, जिनको नहीं पढ़ना, भैया किसी का गला पकड़ के नहीं बैठा रहा हूं यहाँ पर। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका फल आपने बीएसटीसी के एग्जाम में देख लिया। आपने जीके को हल्के में लिया और जीके में ही अधिकतर लड़के फंस गए। इसे दोस्तों ध्यान दीजिए, एग्जाम्स में जब सिलेबस आते हैं तो हम लोग लापरवाही बहुत करते हैं, केवल एग्जाम के दो दिन पहले पढ़ना पसंद करते हैं, उसके पहले नहीं पढ़ते। दोस्तों आप ब्रह्मा नहीं है कि एक दिन में आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक कहावत है, एक श्लोक है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब दोस्तों बार बार अगर अभ्यास करोगे तो एक मंद बुद्धि लड़का, एक मूर्ख भी अगर है तो वो बुद्धिमान हो सकता है, है ना दोस्तों। ले जैसे कि एक रस्सी को आप देखिए, पत्थर पर लगातार घिसते रहिए, उस पत्थर में धीरे धीरे दरार बनने लगेगी, समझे दोस्तों। देखिए पढ़ने के लिए रिदम बहुत जरूरी दोस्तों, है ना। तो फटाफट दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की, तुरंत शुरुआत करेंगे। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक बार शेयर करके क्लास की शुरुआत करेंगे। आज फिर से मैंने लगभग 30-35 सवालों का कॉम्बिनेशन लिया है, देखते हैं हम लोग कितने सवाल कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने आपका पहला प्रश्न मौजूद है। पहला प्रश्न अगर देखा जाए तो क्या है, ये कह रहा है इसमें से विषम बताइए। क्या बताना है दोस्तों? विषम कौन सा भिन्न है? जल्दी से दोस्तों इसका जवाब देंगे, कौन सा अलग है, कौन सा विषम है? जल्दी से इस प्रश्न का एक बार जवाब देंगे सभी मेरे भाई। जल्दी से दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विषम है, कौन सा अलग है? देखता हूं कौन सा मेरा बच्चा इसका सही जवाब देता है। जल्दी जवाब दीजिए, मैं देखता हूं, एक बार मैं नाम लेने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर एक प्रेशर में पानी डालोगे तो आधा पानी बाहर गिर जाएगा, आधा पानी ही अंदर रहेगा। कभी इसको आजमा के देख लीजिएगा, बोतल में पानी भरिए और नल को फुल प्रेशर में खोल दीजिए, देखिएगा नल बोतल जो है भर के पानी बाहर फेंक देगा, और जब नल आप बंद करेंगे तो बोतल आधा ही भरा होगा। ये ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत ही सटीक बात है कि पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो एक रिदम में पढ़ाई जारी रखिए। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में 24 घंटे पढ़िए, मैं ये कहता हूं कि एक दिन में 3 घंटे रेगुलर पढ़िए। 3 घंटे पढ़ते रहेंगे, आपका रिदम बना रहेगा और आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। जल्दी से सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं मेरे अधिकतर भाई। पारुल सी कह रही हैं, पूजा भी सी के साथ जा रही हैं, हिमेश जी भी सी के साथ चल रहे हैं। अच्छा भाई,
ठीक है, अधिकतर बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। चलो दोस्तों देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों अगर सबसे पहले नजर डाली जाए तो देखिए यहां पर एक वॉवेल ए आया है, यहां एक वॉवेल आई आया है, यहां एक वॉवेल यू आया है और यहां एक वॉवेल ओ आया है। तो वॉवेल के आधार पर तो आप नहीं छांट पाएंगे, यानी वॉवेल से काम नहीं चलेगा। पहली नजर में यही देखते हैं कि क्या वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला मैटर काम देगा क्या, तो वो काम नहीं दे रहा। अब देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो एक, दस, ग्यारह और बारह है। इसी तरह से दोस्तों अगर यहां देखें तो नौ, दो, तीन, चार है। इसी तरह दोस्तों अगर यहां देखें तो पंद्रह, अठारह, सत्रह और सोलह है। और यहां देखा जाए दोस्तों तो इक्कीस है और फिर सात है और आठ है और पहले छह है। देख रहे हैं दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए सभी में तो यहां क्रम एक कॉन्टिन्यू है, दस एक, दस ग्यारह बारह, दो तीन चार, छह सात आठ। लेकिन दोस्तों अगर यहां चेक करेंगे तो ऐसा कोई क्रम नहीं बन रहा, ऐसा क्रम नहीं बन रहा। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस ग्रुप से दोस्तों क्या हो गया है, अलग हो गया है। क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया है, अलग हो गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी सर इस ग्रुप से क्या है, अलग है। क्लियर दोस्तों, सी ऑप्शन नंबर सी इस ग्रुप से अलग है दोस्तों। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो भी यही सवाल है, बताना है कौन सा भिन्न है, कौन सा विषम है। दोस्तों जल्दी से एक बार फटाफट सभी मित्र लाइक करिए, जितने लोग लाइव हैं फटाफट वीडियो को एक बार लाइक करिए और तुरंत सॉल्यूशन दीजिए। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए दोस्तों फटाफट। देखिए जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों पढ़ते रहिए, आप इस पर एडवाइस मत करें, क्योंकि देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि कैसे पढ़ाएंगे तो आपको तैयार होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों टॉपिक वाइज करेंगे तो कम से कम दो महीने लग जाएंगे पूरा पढ़ने में, है ना। और मैं जानता हूं हम लोग टीचर हैं, हम लोग जानते हैं, एक दो नहीं पिछले दस सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है कि किस तरह से पढ़ाएंगे तो आप कम समय में अपना सिलेबस तैयार कर सकते हो। आप ध्यान रखना दोस्तों, आप बस हम पे भरोसा करिए और पढ़ते रहिए। बस देख लीजिएगा बीटेट के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप अछूते नहीं होंगे, हर एक सवाल आपको आता होगा। लेकिन दोस्तों बस हम पे भरोसा करिए, जैसे बीएसटीसी के बच्चों ने हम पे भरोसा किया और उनका पेपर अच्छा हुआ, कई बच्चों ने रीजनिंग में 50 में 50 किया। देखिएगा मैं बार बार कहता था कि मैं आपको रीजनिंग में 50 में 50 करवा के लौटाऊंगा, और देखिए कई बच्चों ने 50 में 50 किया है, 50 में 49 किया है। ये कोई करवा नहीं सकता दोस्तों, मैंने करवाया है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे में भरोसा किया है और मैंने जैसे पढ़ाया आपने पढ़ते शुरू कर दिया और ऑटोमेटिकली आप उस लेवल पर आ गए जिस पर सब लोग एक साल पर आते हैं। मैंने दो महीने में आपको उस लेवल पर खड़ा कर दिया था। तो दोस्तों बस आप हम पे भरोसा करिए और पढ़ते चलिए बस हमारे साथ में, ये ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है ना। तो बताना है कौन सा अलग है, जल्दी से देखिए दोस्तों। यहां पर देखा जाए तो ए, ई, आई और ओ सब में वोवेल आया है, यानी इसके दम पे तो अलग नहीं कर पाएंगे। आगे देखते दोस्तों, देखिए यहां एक है, यहां 19 है, यहां 20 है, यहां अगर देखा जाए दोस्तों तो 5 है, 16 है और 18 है। यहां दोस्तों अगर देखा जाए तो 9 है, 13 है और 14 है। यहां देखा जाए तो 23 है, 15 है और 19 है। देख रहे दोस्तों आप सबके नंबरिंग मिलाइए, देखिए दोस्तों यहां पर ठीक 13 14, यहां देखिए 16 18, मतलब देखिए देखा जाए शुरू से ऐसे तो सब बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए दोस्तों एक लाइन से बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन यहां देखिए यहां कोई सही सीक्वेंस नहीं है। देखिए ये तीनों के तीनों बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस ग्रुप से क्या है दोस्तों, अलग है। कि सर ऑप्शन नंबर डी अलग होगा, बिल्कुल सही जवाब हो, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे फटाफट दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से दोस्तों एक बार बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से दोस्तों। पहले तो एक काम करो, पहले तो शेयर करो यार, शेयर करो। ये 200 लड़के यार मजा नहीं दे रहे, जल्दी से एक बार शेयर करिए भाइयों, सभी से एक रिक्वेस्ट है एक बार शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह से पढ़ा देंगे कि वो टॉपिक याद हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको रिदम बनाना पड़ेगा, उसके लिए लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। वो लेवल है कम से कम 500 छात्र हो तो पढ़ाने में मजा आता है, कम से कम 500 छात्र हो तो पढ़ाने में मजा आता है। एक बार जल्दी से शेयर करिए और फिर देखिए मेरी कला, आपको इतना मजा आएगा क्लास में कि आप भी खुश हो जाओगे और मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो जल्दी से दोस्तों एक बार जल्दी से शेयर करिए, पहले फटाफट शेयर करिए, जल्दी से दोस्तों शेयर करें, बताएं और इसमें कौन सा भिन्न है। जल्दी से दोस्तों जल्दी से पहले शेयर करिए वीडियो को, जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर करिए। टोटल 30 से ज्यादा प्रश्न है, 30 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन मजा तब आएगा जब संख्या अच्छी होगी। यहां 100-200 पे मजा नहीं आएगा दोस्तों। हम लोगों ने 1700 लड़के पढ़े हैं बीएसटीसी के एग्जाम के पहले, 2000 लड़कों ने पढ़ा है और उसकी जगह पर 200 बेटा मजा नहीं आता। जल्दी से एक बार शेयर करिए दोस्तों, फटाफट शेयर करें, जल्दी से दोस्तों शेयर करें। देखिए नींद कब खुलती है लड़कों की, तो नींद तब खुलती है जब पेपर सर पे आ जाता है, तब जाकर पढ़ाई शुरू होती है। यही रीजन है कि सफल नहीं होते हो, यही रीजन है कि सफलता नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिदम को रेगुलर बना के रखेंगे तो ही सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा बेटा, ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों देखा जाए यहां पर, देखिए यहां पर देखें तो सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एल और आर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इसीलिए ये ग्रुप से क्या है दोस्तों, अलग है यल और आर। ठीक है दोस्तों, यल और आर, ऑप्शन नंबर डी। बनवारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शरद का जवाब बिल्कुल सही है, नेहा का जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, और इसके अलावा पप्पू जी का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है, सुमित्रा का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है, आकाश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, हिमेश का भी बिल्कुल सही जवाब है, ये अपोजिट है सभी, बाकी ये वाला अपोजिट नहीं है। इसीलिए चौथा इस ग्रुप से क्या है दोस्तों, अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों यहां पर ये है 2, 5, यहां देखिए 7, 10, यहां देखा जाए तो 14, 16, और यहां देखिए तो क्या है 17 और 18। बताना है कौन सा अलग है, जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न के अंदर। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है और बताना है कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। देखते हैं कौन सा मेरा भाई इसका सही जवाब देता है, जल्दी से जवाब दें क्या होगा राइट आंसर दोस्तों। यहां पर बताना है इस प्रश्न में क्या है सही जवाब। अच्छा कुछ भाई कह रहे हैं सर ऑप्शन डी है। पीटेट का एग्जाम, देखिए बच्चों मैं बता दूं 6 तारीख अभी मान के चलिए, क्योंकि जैसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार गिरी से गिरी हालत में 20 सितंबर के पहले पीटेट का एग्जाम करवा देगी। इस विरोध के कारण कई राज्यों में डेटें बदल रही हैं, तो सीधी सी बात है हमारे राजस्थान में भी पीटेट की डेट बदलेगी और वो सितंबर में ही होगा, ये सियोरिटी मान के चलिएगा दोस्तों। बहुत जल्दी डेट आपके सामने आने वाली है इसी सितंबर में, लेकिन फिलहाल हम लोग तो 6 तारीख मान के चल रहे हैं, क्योंकि 6 तारीख का अभी इसके अलावा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। 6 तारीख की डेट एक बार बताई गई हुई डेट है, तो शायद 6 तारीख को पेपर हो जाए, और अगर 6 तारीख को नहीं भी हुआ तो ये मत मानना कि पेपर ज्यादा दूर जाएगा, पेपर आपका इसी महीने में होगा, ये गारंटीड है, देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिए पेपर इसी महीने में होगा। जल्दी से आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो सीधा सीधा यहां एक ही चीज दिख रहा है कि इसमें एक वॉवेल आया हुआ है, कौन सा है, ई, और कहीं पर कोई वॉवेल नहीं है, चेक कर लीजिए, यहां पर एक वॉवेल आया हुआ है ई, और इसी वजह से आपका पहला ऑप्शन सही है, आपका पहला ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप अंतर पे जाएंगे तो इनके बीच का अंतर 3 का है, इनके बीच का अंतर 3 का है, इनके बीच का अंतर 2 का है, और इनके बीच का अंतर 1 का है, तो यहां समय वैरायटी है, तो अंतर वाला नियम यहां काम नहीं आएगा दोस्तों। यहां देखिए वॉवेल आया हुआ है ई, तो इसी के आधार पर हम कहेंगे कि सर यही इनमें से क्या है, भिन्न है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर हम लोग कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए अलग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रेनू बिल्कुल सही जवाब है, आकाश नहीं बेटा, डी नहीं होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, डी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, जल्दी से बताएं, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, जल्दी से दोस्तों आगे बढ़े फटाफट। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर है, बताना है कौन सा भिन्न है, जल्दी से जवाब देना है दोस्तों, कौन सा भिन्न है, बताइए कौन सा अलग है। जल्दी से देखिए, JKL RGL MPR TUA, अगर आप इसमें देखेंगे और अंतर पर चलना चाहेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो ये है 10, 11, 12, यहां देखा जाए 18, 7, 12, यहां देखा जाए तो 13, 16 और 18, और अगर यहां देखें तो 20, 21 और 1। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको बताना है कौन सा अलग है, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। अच्छा भाई, अधिकतर बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं और कुछ बच्चे ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर पहली प्रायोरिटी मिलेगी इसको, पहले नंबर पर यह अलग कहा जाएगा, क्योंकि यहां सारे अक्षर एक क्रम में हैं, यहां पर सारे अक्षर एक क्रम में हैं। क्रम का मतलब समझ रहे हैं, सीधे सीधे 1, 2, 3 ऐसे हैं, ठीक है, क्रम में है। देखिए 10, 11, 12 दोस्तों, उसके बाद अगर इसको हो जाए तो उसके बाद ये लेगा दूसरा नंबर, क्यों भैया, यहां पर वॉवेल आया हुआ है, यहां पर क्या है, वॉवेल है, देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है, इसीलिए दूसरी प्रायोरिटी इनको मिलेगी। लेकिन फिलहाल में हम इसके साथ जाएंगे कि सर यहां पर एक के बाद एक लेटर आए हुए हैं, जबकि इन सभी में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये ना होता तो हम डी के साथ जाते कि सर यहां पर एक वॉवेल प्रयोग हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्लियर हुआ, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, अभी तक कोई पोस्टपोन डेट नहीं है पीटेट की, अभी तक कोई पोस्टपोन डेट नहीं है। बीएसटीसी का एडमिट कार्ड 3 दिन पहले जारी हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो ऐसा हो सकता है कि अचानक कल से ही एडमिट कार्ड जारी होने लगे, क्योंकि सरकार इस समय विरोध के देख रही है, विरोध के हालात, और हो सकता है कि पेपर 6 तारीख को हो जाए। तो इसलिए दोस्तों लापरवाही मत करिए, अगर पेपर, मैं बार बार एक शब्द कहता हूं कि अगर पेपर हो गया तो क्या करोगे, लोग कहते हैं सर पेपर टल गया, मैं कहता हूं पेपर अगर हो गया तो क्या करोगे, कहां ऑफिशियल लिखा है कि पेपर टल गया है, किसने बोल दिया पेपर टल गया है, पेपर वालों की बात मानेंगे, पेपर वाले रोज बदलते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेपर अचानक शुरू हो सकता है और आप तब सदमे में आ जाएंगे, जैसा बीएसटीसी में हुआ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कई बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, क्यों, तो भैया हम तो सोच रहे थे कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, ये गड़बड़ है दोस्तों, ये गलत सोच है, इस सोच को बदलिए, तो कभी जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी इस सोच पर। हमेशा तैयार रहिए कि सब कल पेपर करा लो, कोई दिक्कत नहीं, रेडी हूं, तब जाके सफलता मिलेगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहां पर ये लिखा जाए तो देखिए, लुक वाइज आप इसके हिसाब से जा रहे हैं सर, स्मॉल लेटर है, बिल्कुल सही कह, मैं कह रहा हूं ना कि ये माना जा सकता है, लेकिन दोस्तों देखिए यहां पर नंबरिंग का जो सीक्वेंस देखा जाए तो पहले में भी सही है, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन प्रायोरिटी कौन लेके जाएगा, तो भैया ऊपर वाले को दो, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, है ना दोस्तों। हो सकता है टाइपिंग में गलती हुई हो, कैपिटल लेटर हो, तब क्या करोगे, अगर एग्जाम में ऐसा है तब आप इसको टिक मारिए, लेकिन अदरवाइज ये यही होगा राइट आंसर दोस्तों। क्लियर हुआ, ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों का पूरा ध्यान पढ़ाई के अलावा हर चीजों पर होता है, पढ़ाई नहीं पसंद है, सारी पॉलिटिक्स कर डालोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, यही बुराई है दोस्तों, यही बुराई है। सरकार अगर गलतियां कर रही है तो आप भी गलतियां कर रहे हैं साथ में, सरकार तो 100% गलतियां कर रही है, एग्जाम्स नहीं करा रही है, वैकेंसी नहीं क्लियर कर रही है, लेकिन बेटा उसमें गलती आप भी कर रहे हैं, आप उसको और सपोर्ट दे रहे हैं, कैसे, तो आप चाहते हैं कि पेपर टल जाए, आप खुश होते हैं कि पेपर टल गया, क्यों, तो सर हमने तैयारी ही नहीं की थी, तो बेटा ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, सरकार का क्या नुकसान है, उसमें तो पैसा है उसके पास, उसने तो पैसा तुमसे भरवा के ले लिया ना, अब काहे कि उसको नुकसान है। तो दोस्तों ध्यान दो, लापरवाही मत करो बेटा, लापरवाही मत करिए, बिल्कुल मत करिए।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहां पर बताना है कौन सा भिन्न है, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा भिन्न है। जल्दी भाई दोस्तों कौन सा अलग है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मेरे सभी भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो दोस्तों यहां पर भी बॉल का यूज होता है, इसमें भी बॉल का यूज होता है, इसमें भी, इन तीनों में बॉल का यूज किया जाता है। क्या होता है, बॉल का यूज होता है, जबकि इसमें नहीं होता। यानी कि सर बैडमिंटन ही अलग गेम है, बैडमिंटन ही अलग गेम है। कोई अगर पिच के हिसाब से बात कर रहा हो तो वो गलत होगा, यहां यूज है बॉल का। देखिए क्रिकेट, टेनिस और हॉकी तीनों में बॉल का प्रयोग होता है, जबकि बैडमिंटन में बॉल का प्रयोग नहीं होता दोस्तों। इसी वजह से ये ग्रुप से क्या है, अलग है। क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हुआ, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं मेरे सभी भाई, जैसे किशन जी, तरुण, निलय, बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना। विष्णु बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। पुष्पेंद्र बिल्कुल सही जवाब, नेहा बिश्नोई, हिमेश बिल्कुल सही जवाब है, प्रियंका बिल्कुल सही जवाब दे रही हो, हंस राज गुर्जर का भी जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहां बताना है फिर से वही प्रश्न है, कौन सा भिन्न है। जनराई दोस्तों देखिए दोस्तों, संख्या बढ़ाते रहोगे क्लास लेता रहूंगा, सवाल ज्यादा है, लेकिन अगर संख्या घटेगी तो मजबूरी में मैं वहीं पर क्लास को रोक दूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो हमको रिजल्ट भी चाहिए आपसे, आपकी संख्या के लिए ही मेहनत होती है, आपके परीक्षा के लिए ही मेहनत होती है, हमको कोई परीक्षा नहीं देनी, परीक्षा आपको देनी है भैया, तो संख्या को प्लीज इंक्रीज करते रहिए। चलिए दोस्तों फटाफट इसका जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों बोले, फटाफट बोले, जल्दी से जवाब दें, क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों ओ पी एन एम है ना, जे आई एच जी, एक्स वाई जेड वाई, एस ए, एस आर क्यू पी, बताना है कौन सा भिन्न है। दोस्तों ध्यान देना, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है। चलिए बताइए कौन सा भिन्न है, जल्दी से इसका जवाब देंगे, कौन सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों। 7 का डी, निखिल का जवाब दिखाया भाई, सुनील का जवाब आ गया, नेहा बिश्नोई का जवाब आ गया, चंद्रशेखर कह रहे हैं सर सी होगा, अच्छा भाई नहीं सी होगा, अच्छा ठीक है। नानू जी कह रहे हैं सर डी होगा, अच्छा नानू क्लियर है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। विजय जी डी के साथ जा रहे हैं, अधिकतर बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, किस लिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए दोस्तों ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां एक वॉवेल ओ आया है, देख रहे हैं, यहां पर भी एक वॉवेल आया है ना, और यहां पर भी एक वॉवेल आया है। देखिए तीनों में वॉवेल का यूज हुआ है, यहां पर कोई वॉवेल नहीं है, देख रहे हैं यहां पर कोई वॉवेल नहीं है, यानी कि दोस्तों यही अलग है। क्यों, क्योंकि सर यहां पर कोई वॉवेल का यूज नहीं हुआ, कोई वॉवेल का प्रयोग नहीं हुआ, वॉवेल का प्रयोग नहीं हुआ, इसी वजह से ये इस ग्रुप से क्या है दोस्तों, अलग है, ये इस ग्रुप से अलग है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि वॉवेल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों, वॉवेल का प्रयोग नहीं हुआ, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर एम एन ओ पी, देखिए दोस्तों यहां क्रम नहीं है, जी एच आई जे यहां क्रम है, यहां पर भी क्रम नहीं है, यहां पर क्रम है, तो क्रम के हिसाब से आप नहीं छांट पाएंगे, क्योंकि क्रम में दो दो लोग क्रम में लगे हुए हैं, तो क्रम पे बंटवारा नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर बंटवारा वॉवेल के हिसाब से ही होगा, और वॉवेल इसमें नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिए दोस्तों, हमेशा वॉवेल की बात नहीं हो रही, यहां जरा क्रम मिलाइएगा। देखिए दोस्तों अगर नंबर मिलाएं तो 15, 16, 14 और 13 है ना, यहां देखिए 10 है और 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है और फिर 7 है, यहां देखेंगे तो 26 है, 25 है, 24 है और फिर 1 है, यहां अगर आप देखेंगे तो ये 19 है, 18 है, 17 है और 16 है। देखिए दोस्तों ध्यान से अगर देखिए क्रम की बात करें तो ये लोग इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में हैं, ठीक है, इसी तरह से ये भी बढ़ते हुए क्रम में हैं, लेकिन दोस्तों जब यहां देखिए ये घटते हुए क्रम में है और ये भी घटते हुए क्रम में जा रहा है, मतलब इधर से ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन देखो दोस्तों यहां पर ये 16 बीच में आ गया, देख रहे हैं 16 बीच में आ चुका है,
15 उसके बाद है। इसलिए दोस्तों यहां देखिए तो यहां एक है, एक किसी क्रम में आता ही नहीं है उसके हिसाब से, तो एक इसीलिए अलग हो जा रहा है, इसीलिए यहां पर वॉवेल का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे दोस्तों? वॉवेल का सहारा लेंगे, ठीक है, और वॉवेल के सहारे ही काम चलेगा, क्रम से काम नहीं बनेगा। चलिए दोस्तों इस सवाल पर आते हैं, प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका जवाब देना है, क्या होगा राइट आंसर जरा बताइए इस सवाल का, क्या होगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कथन दिया हुआ है कि सभी बसें स्कूटर हैं, ठीक है दोस्तों, सभी बसें स्कूटर हैं, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है और कुछ ट्रेनें जीप हैं, कुछ ट्रेनें जीप हैं। निष्कर्ष है कोई बस ट्रेन नहीं है, दूसरा है कुछ जीपें स्कूटर हैं। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करना है तो जरा इसका डायग्राम बनाइए जल्दी जल्दी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सभी बसें स्कूटर हैं, यानी कि देखिए ये हो गई बस, ठीक है, ये हो गई बस और ये क्या हो गई? स्कूटर हो गई, ठीक है दोस्तों, सभी बसें क्या हो गई? स्कूटर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, तो भैया यानी स्कूटर से बाहर ट्रेन हो गई, ऐसे ये ट्रेन मान लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, और कुछ ट्रेनें जीप हैं, यानी इसमें से कुछ ट्रेनें किसके साथ जुड़ गई दोस्तों? जीप के साथ जुड़ गई। पूछा गया है निष्कर्ष, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस ट्रेन नहीं है। तो देखिए दोस्तों बस यहां है, ट्रेन यहां है, पहला बिल्कुल सही हो रहा है ना। अब दूसरे पर आ जाइए, कह रहा है कुछ जीपें स्कूटर हैं, यानी जीप और स्कूटर का कोई कनेक्शन है क्या? तो चेक करिए दोस्तों, जीप यहां है, स्कूटर यहां है, क्या कोई कनेक्शन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, यानी ये गलत हो गया है दोस्तों। यानी कि सर निष्कर्ष एक सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखता हूं किस किस भाई ने जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है टिंकू, नेहा बिल्कुल सही जवाब है, शरद का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल परमार जी का जवाब बिल्कुल सही है, भूमिका का जवाब बिल्कुल सही है, प्रिया और सोविन का जवाब बिल्कुल सही आया है, डी नहीं बेटा। देखिए पहला सत्य है, चेक करिए, पहला सही है, कोई बस ट्रेन नहीं। देखिए दोस्तों बस यहां है, ट्रेन यहां है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, और सीधी सी बात है कि भैया इसी वजह से पहला निष्कर्ष क्या हो जा रहा है दोस्तों? सही हो जा रहा है, ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अपनी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब देंगे, क्या होगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों बोला है सभी चाबियां ताले हैं, कहने का सेंस ये हुआ कि ये हो गई चाबी है ना, और ये किसके अंदर आ गई है? तालों के अंदर चली गई, ये हो गए ताले। अब क्या बोला गया है दोस्तों? देखिए कोई ताला दरवाजा नहीं है, यानी दरवाजा अलग हो गया, यहां पर दरवाजा मान लेते हैं। अब दोस्तों कहा गया सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, यानी ये दरवाजा पूरी तरह से क्या बन गया दोस्तों? खिड़कियों में आ गया। अब जरा इसको मिलाया जाए निष्कर्ष को और देखा जाए कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है, जरा जल्दी जल्दी चेक करिए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। मैं देख रहा हूं आपके जवाब, पंकज कह रहे हैं सर ए होगा, अच्छा पंकज जी कह रहे हैं सर ए होगा, कुसुम जी ए के साथ जा रही हैं, रेनू ए के साथ जा रही हैं, आकाश कह रहे हैं सर ए होगा, अच्छा भाई अमर जी कह रहे हैं तो चलिए ठीक है, बिल्कुल अमन का कहना है सर इसमें ए होगा, अच्छा नौवे का ए कह रहे हैं सोनूदीप, बिल्कुल सही जवाब लग रहा है, तेजमल का जवाब कह रहे हैं सर ए होगा, अच्छा एक लाइन से सभी मेरे भाई ए के साथ जा रहे हैं, सपना तरुण आशित अनिता आबेद सपना और बहुत सारे तबस्सुम हैं, बहुत सारे बच्चों का जवाब ए आ रहा है। चलो दोस्तों जरा मिलाते हैं, कह रहा है कोई चाबी दरवाजा नहीं है, देखिए दोस्तों चाबी यहां है दरवाजा यहां है, कोई कनेक्शन नहीं है, यानी पहला निष्कर्ष तो सही है। अब जरा दूसरा मिलाइए, दूसरा कहता है कुछ खिड़कियां ताले हैं, कुछ खिड़कियां ताले हैं, यानी कि खिड़कियों का कुछ हिस्सा तालों में है क्या? खिड़कियों का कुछ हिस्सा तालों में है क्या? तो देखिए दोस्तों खिड़कियां यहां तक हैं और ताले यहां से ऊपर हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इस वजह से ये वाला गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो कहेंगे कि सर निष्कर्ष ए क्या है? सही है, क्योंकि सर निष्कर्ष एक सत्य है और ये पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सर पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कोई डाउट किसी को जल्दी से क्लियर करेंगे, जल्दी से बताएंगे कोई डाउट
किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, जल्दी से एक बार क्लियर करिए क्या होगा, सही है, समझ में आ गया इसका जवाब। आगे बढ़ेंगे फटाफट दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका जवाब देना है। बोला गया है कि दोस्तों, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दूं ना, ये सवाल छोटे में है तो इसको बड़ा ले सकते हैं। चलिए इसको मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा स्क्रीन पर कि आपको साफ साफ दिखाई दे, है ना। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा राइट आंसर। देखिए प्रश्न आपके सामने है, चलिए बताइए क्या होगा यहां सही जवाब। देखिए क्या बोला गया है, इनको ये लिखा गया तो इनको क्या लिखा जाएगा। सवाल क्या है दोस्तों, देखिए क्यू डी एक्स यम, इसको लिखा गया है यस यफ वाई और यन, ये लिखा गया है तो बताना है यू आई ओ जेड, इसको क्या लिखा जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिए, मैं चेक कर रहा हूं आपके आंसर कौन सही जवाब दे रहा है दोस्तों। जल्दी से दोस्तों फटाफट जवाब दें, ठीक, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी से। देखिए दोस्तों हम लोग तो पूरी मेहनत करते हैं, आगे आपके हाथ में है, अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ अगर लापरवाही करेंगे तो बेटा कोई नहीं संभाल सकता फिर ना उसको। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा या रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तभी टीचर आपको सपोर्ट कर सकता है, तभी कोई भी टीम आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो हम कितना अकेले कर लेंगे। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। एक बार जल्दी से शेयर करिए, पहले यार संख्या बढ़ नहीं रही, मजा नहीं आ रहा, एक बार प्लीज शेयर करिए, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है जल्दी से शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, केवल 3-3 लड़कों को शेयर करिए, ज्यादा नहीं, केवल 3-3 भाइयों को जल्दी से शेयर करिए वीडियो को, फटाफट शेयर करिए और फिर जुड़िए मेरे साथ, जल्दी से एक बार शेयर करिए, फटाफट जुड़िए, शेयर करिए। अभी बहुत सारे सवाल हैं यार, एक दो सवाल नहीं, 30 सवाल है, 30 सवाल है, अभी तुम 10वें नंबर पर हो, 20 सवाल बाकी है, लेकिन संख्या वो नहीं जो जोश पैदा करे, जोश नहीं आ रहा, आपकी संख्या देख के मन डाउन हो रहा है, जोश लाइए, जोश तब होगा जब संख्या बढ़ेगी, तभी पढ़ाने में मजा आएगा। आपने देखा है हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, संख्या को बढ़ाएंगे तो अपने आप एनर्जी बढ़ती जाएगी। ध्यान रखिए दोस्तों, जल्दी से एक बार शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए दोस्तों, जल्दी से। देखिए यहां पर अगर देखेंगे तो +2 है, यहां देखेंगे तो +2 है, यहां पर +1 है, यहां पर +1 है, देख रहे दोस्तों, देखिए +2 +2 +1 +1, क्लियर है, यही काम यहां कॉपी कर दीजिए, +2 +2 +1 +1। अब देखिए दोस्तों यहां पर करें तो U में दो जोड़ोगे तो W आएगा, है ना, I में दो जोड़ोगे K आएगा, 15 में एक जोड़ोगे 16 आएगा, और Z में एक जोड़ोगे तो A आएगा, कितने हो जाएंगे दोस्तों, W K P A, चेक करिए दोस्तों, W K P A, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखता हूं कितने लोग गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है तेजा राम, किशन जी बिल्कुल सही जवाब है, मनराज बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, प्रियंका का जवाब बिल्कुल सही है, हिमेश का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, मुशान का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, राज का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए दोस्तों जल्दी से एक बार शेयर करिए, पहला काम जल्दी से शेयर करिए और शेयर करके जुड़िए दोस्तों, तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, सच्ची बता दूं ऐसे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, जल्दी से एक बार शेयर करिए और फिर जुड़िए साथ में पढ़ने में, तभी मजा आएगा। देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, इनको ये लिखा गया यानी सी डी ई एफ, है ना, इनको लिखा गया है यू वी डब्ल्यू एक्स, क्लियर है दोस्तों। पूछा गया है जे के एल यम को क्या लिखा जाएगा, यही बताना है दोस्तों। अब देखिए यहां पर यफ का अपोजिट यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है और सी का अपोजिट यक्स होता है। देखा जाए तो यहां सीधे सीधे अपोजिट लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है, लेकिन क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में, तो वही काम यहां करिए दोस्तों, यम का अपोजिट यन हो जाएगा, यल का अपोजिट ओ हो जाएगा, के का अपोजिट पी हो जाएगा और जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका सही जवाब, यन ओ पी क्यू, ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यन ओ पी क्यू, देखता हूं कितने लोग सही गए भाई, यन ओ पी क्यू बिल्कुल सही जवाब है, मुस्कान बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, रजत का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोनिका का भी जवाब आ गया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बेटा,
बिल्कुल सही जवाब दे रहे। चलिए दोस्तों एक और सवाल आ गया, देखिए ये भी कथन निष्कर्ष का सवाल है, जल्दी से इसका जवाब देंगे क्या होगा राइट आंसर। बोला है सभी जहाज विमान है। देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सभी जहाज विमान है, दूसरा कहता है सभी ट्रक जहाज है, तीसरा कहता है सभी कार ट्रक है। ये इतनी बातें कही गई, जैसे दोस्तों जरा देखा जाए तो मान लो ये जहाज है, ठीक है, और सभी जहाज को क्या कहा गया है दोस्तों, तो सभी जहाज को विमान कहा गया, तो ये मान लिया जाए विमान हो गया। फिर क्या बोला गया, सभी ट्रक जहाज हैं, यानी इस जहाज के अंदर में ही ट्रक आ जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं बड़ा बना लूं, है ना, क्योंकि बड़े गोले की जरूरत पड़ेगी, इतने में हो नहीं पाएगा, है ना। तो चलिए देखिए दोस्तों यहां पर लेते हैं, ये हो गया जहाज, ठीक, और जहाज के ऊपर कौन आ गया दोस्तों, तो विमान आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, सभी ट्रक जहाज हैं, यानी इसी जहाज के अंदर एक हिस्सा ट्रक का भी है। ये ट्रक मान लीजिए, ये कौन है, ट्रक है, ये कौन है, ट्रक हो गई। और फिर कहा गया है कि सभी कार ट्रक हैं, यानी इसी ट्रक के अंदर एक और आ गया, और ये कौन है, तो कार है भैया। क्लियर दोस्तों, ये हो गया इसका डायग्राम। इसका सवाल का जवाब देखा जाए, पहला कहता है कुछ जहाज कार नहीं है, यानी कुछ जहाज का हिस्सा कार से बाहर है। चेक करिए दोस्तों फटाफट, तो देखिए जहाज का कुछ हिस्सा कार से बाहर बिल्कुल दिख रहा है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नो एनी डाउट, बिल्कुल ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सभी कार विमान है, यानी पूरी की पूरी कार जो है वो क्या है, विमान है। तो चेक करिए दोस्तों, कार यहां पर है और विमान ये पूरा है, तो कार किसके अंदर चली गई, विमान के अंदर चली गई, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी हमारा दोस्तों क्या हो गया, सही हो गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, दोनों सत्य हैं, दोनों के दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। कैसे कर रहे हो भाई, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसने कहा कुछ जहाज कार नहीं है। देखिए दोस्तों कार इतना ही तो है और जहाज ये पूरा है, तो देखिए जहाज का कुछ हिस्सा ही तो इसके अंदर है और कुछ हिस्सा इसके बाहर है ना, तो यानी कि सर कुछ जहाज कार नहीं है, तो यही तो ये कह रहा है। तो इसलिए पहली बात भी सही है, दूसरा निष्कर्ष भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि सर दोनों के दोनों सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ जाएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। पूछा गया है कुछ बादल राख हैं, देखिए दोस्तों कुछ बादल राख हैं, मान लो ये हो गए बादल और इनका कुछ हिस्सा किसमें आ गया दोस्तों, राख में आ गया। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ राख कण है, यानी राख में से कुछ हिस्सा किसको दे दीजिए, कण को दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सभी कण तत्व है, यानी ये पूरे के पूरे कण किसके अंदर आ गए दोस्तों, तत्व में आ गए। अब जल्दी से अपने निष्कर्ष को मिलाइए और जवाब दीजिए क्या सही होगा। देखिए दोस्तों क्या कहता है, कोई कण बादल नहीं है, कोई भी कण बादल नहीं है, यानी कण और बादल दोनों अलग अलग हैं। जरा चेक करिए दोस्तों, कण देखिए यहां है, बादल इससे अलग है, यानी पहला तो सही हो रहा है, ठीक है, पहला क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात देखिए, ये कहता है कुछ तत्व राख हैं, कुछ तत्व क्या हैं दोस्तों, राख हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, राख हैं। तो देखिए दोस्तों तत्व यहां है और राख वहां है, कनेक्शन मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही है राइट आंसर, बिल्कुल 13वें का सी होगा दोस्तों। संतोष बिल्कुल सही जवाब है, अमन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है यही कि सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट इस प्रश्न में, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब देंगे क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न का। देखिए दोस्तों सु को ये लिखा गया, यस एच ओ ई, इसको क्या लिखा गया, तो यन सी जे और जेड, यही तो लिखा गया है ना दोस्तों। पूछा गया है आर ई डब्ल्यू ए को क्या लिखा जाएगा, यही प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए अगर यहां पर देखा जाए तो सी एस से यन हुआ माइनस फाइव हुआ, एच से सी हुआ माइनस फाइव हुआ, ओ से जे हुआ माइनस फाइव हुआ, और ई से जेड हुआ माइनस फाइव हुआ, सभी में एक लाइन से माइनस फाइव हो रहा है। यही चीज उठा के इधर कॉपी कर दीजिए,
पूरे माइनस फाइव कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर यहां से करें तो माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव और माइनस फाइव करिए दोस्तों, 18 में से 5 घटाएंगे 13 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे जेड आ जाएगा, 23 में से 5 घटाएंगे आर आ जाएगा, और ए में से 5 यानी 27 में से 5 घटाओगे तो 22 आएगा यम जेड आर वी। चेक करता हूं कौन बच्चा सही जवाब दे रहा है। यम जेड आर वी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। रजत बिल्कुल सही जवाब है, मोनिका का जवाब बिल्कुल सही है, रोहितास का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, नीला का जवाब बिल्कुल सही है, अनीता चौधरी बिल्कुल सही जवाब दे रही है, भगवती बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर अक्षय कुमार, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जल्दी से। निखिल का भी आंसर बिल्कुल सही है, किशन का भी जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, और हर्षन का भी जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल विशाल का भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। जल्दी से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, फटाफट इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, बताना है इसको ये लिखा गया तो इनको क्या लिखा जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न में, फटाफट जवाब आना चाहिए। इतना समय नहीं, इतना समय नहीं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए अब, क्योंकि सवाल ज्यादा हैं। वी ए बी यू सी और डी है ना दोस्तों, तो पूछा गया है टी ई एफ को क्या लिखा जाएगा, यही प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर यहां देखा जाए तो V से U हुआ है माइनस वन हुआ, A से C हुआ प्लस टू हुआ, B से D हुआ प्लस टू हुआ। देख रहे दोस्तों, माइनस वन प्लस टू है ना। अब दोस्तों यही काम यहां कर दो, माइनस वन प्लस टू, तो 20 में से एक घटाओगे यस आ जाएगा, 5 दो 7 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, यस जी एच, यही है सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। देखता हूं कौन गया, मुस्कान बिल्कुल सही, रेनु बिल्कुल सही, निलयराज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। किशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, शरद का भाई बिल्कुल, शंकर लाल जी भी सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, राज बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, निखिल का जवाब बिल्कुल सही है, अंजलि सी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब एस जी एच। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब देना है, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बोल क्या रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है के टी का भाई है, यम के की माँ है, डब्लू जो है वो यम का, ठीक है क्या लग रहा है भाई, भाई है, डब्लू यम का भाई है, तो बताना है डब्लू टी से किस प्रकार संबंधित है, यही आपका प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से इसका जवाब देंगे, क्या होगा राइट आंसर। तो देखता हूं मैं कौन मेरा भाई इसका सही जवाब देता है, मैं देखूंगा, तब तक मैं यहां डायग्राम बनाता हूं, आप भी साथ में डायग्राम बनाइए और सॉल्व करिए इसको। देखिए दोस्तों इसने क्या बोला है, के टी का भाई है, यानी के टी का भाई हो गया, और भाई है तो लड़का हो गया, यम के की माँ है, यम जो है वो इनकी माता जी है, और चूंकि माता जी है तो लड़की हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डब्लू यम का भाई है, तो डब्लू जो है वो यम का भाई हो गया, ठीक है दोस्तों, और भाई है यानी लड़का है, तो बताना है डब्लू टी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डब्लू का संबंध टी से आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, टी की माँ का भाई, टी की माँ का भाई यानी दोस्तों क्या लगेगा, मामा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चेक करता हूं कौन भाई इसका सही जवाब दे रहे हैं, चलिए दोस्तों जल्दी से इसका जवाब दीजिए, मैं चेक कर रहा हूं आपके आंसर्स को। वाह क्या बात है, एक लाइन से मामा जी का आंसर आ रहा है, तरुण हो गए, विजय हो गए, हर्षन हो गए, पूजा हो गई, बिल्कुल एक लाइन से, मोनिका आप एक लाइन से, इतने सारे जवाब फटाफट आ रहे हैं कि पूछो मत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, प्रैक्टिस जारी रखो, वेरी गुड वेरी गुड, इसका सही जवाब है मामा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट अगले प्रश्न पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, देखिए दोस्तों निर्मल ने कहा कि वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है। ध्यान से देखो भैया, वह मेरी, मेरी यानी किसके, निर्मल की, वही बोल रहा है ना, यानी कि निर्मल की पत्नी के ग्रैंड
फादर की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो भैया बताना है कि उस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। जल्दी जवाब देना। आपके ऑप्शंस हैं पत्नी, सिस्टर इन लॉ, बहन, डाटा अपर्याप्त है या इनमें से कोई नहीं। ये आपके पांच ऑप्शन हैं, इसमें से आपको जवाब देना है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों इसने क्या बोला, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है भैया, निर्मल कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं निर्मल से शुरुआत करता हूं, निर्मल है ना, ठीक। क्या बोला है कि वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी यानी निर्मल की पत्नी, ठीक है दोस्तों। तो इनकी पत्नी यानी ये हो गई, ठीक है। और बोला गया कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी भैया इनके पिता के पिता, ऐसे है ना दोस्तों। ये हो गया ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान, यानी ये हो गई इनकी एकमात्र संतान की पुत्री। देखो दोस्तों इकलौती पुत्री है कि दो पुत्रियां हैं कि तीन पुत्रियां हैं, ये नहीं बताया जा रहा है ना। और अगर देखा जाए तो ऑप्शन में देखिए, एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, डाटा अपर्याप्त है। अधिकतर बच्चे यहां पत्नी टिक करेंगे बिना सोचे हुए। ध्यान देना दोस्तों, इकलौती पुत्री नहीं कहा है। अगर इकलौती पुत्री बोला होता तब हम पत्नी को टिक करते, क्योंकि ये कंफर्म होता कि इनका कोई और संतान नहीं है। ध्यान से देखिए, ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान यानी इनकी एकमात्र संतान ये हो गई और उनकी पुत्री है, तो हो सकता है वो ये भी हो और हो सकता है इसकी एक बहन भी हो। तो अगर बहन होगी तो साली लगेगी और वही होगी तो पत्नी लगेगी, ये बात क्लियर नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि इनकी एक ही बेटी है कि दो बेटियां हैं। एक बेटी और होगी तो भैया वो साली लगेगी, अगर एक ही बेटी होगी तो वो पत्नी लगेगी, लेकिन ये बात क्लियर नहीं है। इसीलिए हम जाएंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं, यही मान्य होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में न होता, आंकड़े अपर्याप्त ऑप्शन में न होता, तब आप पत्नी के साथ जाते और वो मान्य होता। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल्दी से देखूंगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नो एनी डाउट्स, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। कौन सा संबंध यहां बनेगा, जल्दी से बताना है। आर आई जी, देखिए दोस्तों यहां पर मैं लिख रहा हूं आर आई जी, इनको लिखा गया ओ एफ डी, है ना दोस्तों। पूछा गया यंग ई टी को क्या लिखा जाएगा, यही सवाल है। जल्दी से दोस्तों चेक करिए इनको, तो यहां देखेंगे तो -3 हुआ, यहां देखेंगे तो -3 हुआ, और यहां भी आप चेक करेंगे तो -3 हुआ। -3 -3 -3, तो वही काम इधर भी कर दीजिए फटाफट। तो -3 -3 -3, 13 में से 3 घटा दो जे हो जाएगा, 5 में से 3 घटाओ बी होगा, और 20 में से 3 घटाओ क्यू होगा। चेक करिए ऑप्शन में कहां दिया हुआ है जे बी क्यू, ऑप्शन नंबर सी। देखता हूं कितने भाई इसके साथ जा रहे हैं, जल्दी से अपना जवाब दीजिए, चेक कर रहा हूं आपके आंसर को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लोग कह रहे हैं, नहीं भैया सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। करण बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, करण बिल्कुल सही जवाब है, करण बिल्कुल 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 क्लियर है। जे बी क्यू इज द राइट आंसर, जे बी क्यू यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नो एनी डाउट्स, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। जल्दी से आगे बढ़ेंगे बिना समय गवाए हुए, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर रहा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों यहां पर बी डी ए सी को ये लिखा गया, तो बताना है इनको क्या लिखा जाएगा, यही आपका प्रश्न है। देखिए दोस्तों बी डी ए सी, इसको लिखा गया यफ यच ई जी, तो बताना है यन पी यम ओ को क्या लिखा जाएगा। जल्दी से इसका जवाब देंगे क्या होगा राइट आंसर, फटाफट चेक करिए नंबरिंग के सहारे। तो देखिए दोस्तों यहां पर देखेंगे तो +4 है, ये भी +4 है, ये भी +4 है, और ये भी +4 है, यानी एक एक करके +4 कर करके नीचे लिखता जा रहा है सभी को। यही काम उठा के इधर कर दीजिए, सभी में +4 कर दीजिए। तो भैया देखिए यहां भी +4, यहां भी +4, एक लाइन से सभी में +4 करिए, तो 14 4 18 हो गया, 16 4 20 हो गया, 13 4 17 हो गया, और 15 4 19 हो गया।
RTQS, देखा जाए किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, RTQS ऑप्शन नंबर ए, नो एनी डाउट्स, बिल्कुल सही जवाब है पहला ऑप्शन। देखता हूं कितने भाई जा रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है, ऑप्शन ए एक लाइन से, कुसुम, इंसाफ, विमी, भागवती, बिल्कुल सही जवाब, सरदार, मोनिका, बंडी, पारुल, एसजे गुर्जर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए RTQS। पूजा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, पिंकी का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, नो एनी डाउट्स, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, फटाफट आंसर देंगे, क्या है इसका सही जवाब। देखिए दोस्तों यहां पर देखा जाए तो ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, है ना, एफ पत्नी है किसकी, बी की, तो बताना है ई का ए से क्या संबंध है, ये सवाल है दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब देना है, ई का ए से क्या संबंध है, यही प्रश्न है हम लोगों का। देखा जाए कितने भाई सही जवाब पे जाते हैं, चलो दोस्तों जल्दी चेक करते हैं, ए और बी भाई हैं, या ए और बी भाई हो गए, ठीक है दोस्तों, दोनों भाई हैं, लड़के हैं, ई पुत्री है यफ की। देखिए दोस्तों यहां यफ अभी अता पता नहीं है, तो यफ अभी रोके रहो, आगे बढ़ते हैं, यफ पत्नी है बी की, किसकी पत्नी है भैया, बी की पत्नी है, तो पहले यफ को यहां ले आ लें, यफ हो गई पत्नी, और इन्हीं की बेटी कौन थी, ई पुत्री थी, तो ई यहां आ गई, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, तो देखिए दोस्तों ई यहां है और ए यहां है, यहां से इनका रिश्ता बताना है, तो देखिए दोस्तों उसके भाई की बेटी है, तो भाई की बेटी क्या लगती है, कल भी एक सवाल पर ऐसा डिस्कशन हुआ था, इसको कहा जाता है भतीजी, क्या कहा जाता है दोस्तों, भतीजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखता हूं कितने भाई ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, जल्दी से सही जवाब देंगे, जल्दी से बिल्कुल सही जवाब, देखिए एक लाइन से सही जवाब आ रहा है, सी भतीजी, एक लाइन से राइट आंसर आ रहा है सभी का, ठीक दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर, देखिए प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका सही जवाब देना है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, यम और यफ एक विवाहित दंपति हैं, यम और यफ जो है वो एक शादीशुदा जोड़े हैं, आगे बढ़ते हैं, ए और बी बहने हैं, ए और बी क्या है भैया, बहने हैं, यफ बी की बहन है, तो बताना है बी यम की क्या लगती है, यानी सीधा सीधा बी का यम से क्या संबंध है, यही बताना है, बी का यम से क्या संबंध है, यही जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों फटाफट जवाब देंगे, क्या होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों देखा जाए तो यम और यफ को विवाहित दंपत्ति कहा गया, यानी कि ये दोनों आपस में शादीशुदा हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, अभी आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए ए और बी बहने हैं, ए और बी आपस में बहने हैं, लेकिन अभी उनका यहां कोई जिक्र नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं, यफ बी की बहन है, भैया यफ जो है वो बहन है, यानी ये लड़की हो गई, तो ये लड़का हो जाएगा, क्योंकि ये पति पत्नी है, एक लड़की है तो दूसरा लड़का होगा, और बी को ऑलरेडी देखिए ए और बी बहने कहा गया है, ए और बी को बहन बोला गया, यानी ये इनकी बहने हो गई, देखिए दोस्तों यानी ये तीनों आपस में बहने हैं और ये उनका हस्बैंड है, ठीक है दोस्तों, यफ का हस्बैंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है बी का यम से क्या संबंध है, तो भैया देखिए बी यहां है और यम यहां है, देखिए तो यम की पत्नी यफ हुई और यफ की वो बहन है, तो पत्नी की बहन क्या लगेगी, तो दोस्तों फटाफट टिक करेंगे साली, क्या लगेगी दोस्तों, साली, और यही है राइट आंसर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ, क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, सिस्टर इन लॉ, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, इसी को कहते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो साली हो गई, इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है साली, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। जल्दी आगे बढ़ेंगे, फटाफट और प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, देखिए ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, पूछा गया है कि अगर ए बी सी को ये लिखा जाए तो इनको क्या लिखा जाएगा, यानी दोस्तों देखिए ए बी सी इनको लिखा गया जेड वाई एक्स, तो पूछा गया है इनको क्या लिखेंगे, डी ई एफ,
इनको क्या लिखा जाएगा, यही प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। तो देखिए दोस्तों, देखेंगे तो ए का अपोजिट जे होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है और सी का अपोजिट एक्स होता है। यानी कहा जाए तो यहां सीधा सीधा अपोजिट नंबरों को रख दिया गया है। क्या किया गया है, अपोजिट नंबरों को रख दिया गया है। तो यहां पर भी वही काम कर दो फिर फटाफट। तो दोस्तों देखो, डी का अपोजिट क्या होगा, डब्लू होगा, ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा। यही आपका राइट आंसर होगा, डब्लू वी और यू। चेक करिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यही आपका दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, डब्ल्यू वी और यू, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से इसका जवाब देंगे, क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न का, जल्दी से देखिए दोस्तों। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि भैया 6 को 15 लिखा गया, देखिए 6 का संबंध किसके साथ है, 15 के साथ है, तो बताना है वही संबंध 8 का किसके साथ होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट जवाब देंगे दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा राइट आंसर इस प्रश्न का, जल्दी से देखिए दोस्तों। आंसर आने लगा है बच्चों का, बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी लोग। देखिए दोस्तों, 6 × 12 + 3 क्या होगा, 15 होगा, तो वही काम यहां कर लो, 8 × 16 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। यानी यही है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, नो एनी डाउट्स, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, जल्दी से जरा इसका जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का, जल्दी से आंसर देना है, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है प्रवीण 30 मीटर पूर्व की ओर चला और दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, बताना है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों, देखा जाए तो प्रवीण मान लेते हैं यहां से चले हैं इस जगह से और 30 मीटर पूर्व की ओर गए, यानी मान लिया जाए ये चले गए। आगे बढ़ते हैं, फिर उसने कहा दाएं मुड़े हैं यानी नीचे की तरफ मुड़ा और कितना गया है, 20 मीटर गया, तो मान लेते हैं कि वो यहां रखा है, ये 20 मीटर हो गया, फिर से वो दाएं मुड़ा है और 30 मीटर चला, देखिए दाएं मुड़कर 30 मीटर, तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी 30 है, यानी आप एकदम इसी लाइन के सीध पर यहां पर आएंगे, है ना दोस्तों, यहां पर है। अब देखिए दोस्तों, पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो भैया यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पर मौजूद है, तो ये डिस्टेंस देखिए यहां कितनी दिखा रहा है, 20, यानी ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, 20 होगी, और यही आपका सही जवाब होगा कि सर वो इस समय 20 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, 20 मीटर की डिस्टेंस पर है। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल देखते हैं, ठीक है, आज का आखिरी सवाल देखा जाए क्या होगा, ये रहा आपका 25वां प्रश्न, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये हम लोगों के आज का आखिरी प्रश्न होगा, संख्या अगर अच्छी रहेगी आप तो हम कोशिश कर सकते हैं और ज्यादा सवालों की, संख्या को बढ़ाइए, संख्या ज्यादा होती है तो टीचर को पढ़ाने में भी उतनी ही एनर्जी लगाना अच्छा लगता है, अदरवाइज दोस्तों फिर लगता है कि यार ये बर्बाद हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए आप सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन दोस्तों और लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना भी ये आपका ही फर्ज है दोस्तों। मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने BSTC में किया वैसे ही यहां पर भी आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। पटवारी का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म आएगा बहुत जल्द ही, फॉर्म ओपन होगा, पुलिस का फॉर्म बहुत जल्द ही ओपन होगा, क्योंकि हर राज्य में पुलिस की भर्ती ली जा रही है, अपने राजस्थान में भी ली जाएगी, और पटवारी, ये दो एग्जाम एकदम बैक टू बैक आएंगे, देखिएगा फॉर्म एक के बाद एक ये फॉर्म आएंगे, और उस समय तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम डेट तुरंत 2 महीने बाद की होगी, तो 2 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी इनकी, इसके लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा ये जान लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए देखिए प्रश्न पर आते हैं, बोल रहा है शहर डी शहर ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर है, शहर डी शहर ए से, है ना दोस्तों, ये हो गया ए, इससे 12 किलोमीटर उत्तर की ओर हो गया कौन,
डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, शहर सी शहर डी से 15 किलोमीटर पश्चिम है। शहर सी जो है वो शहर डी से 15 किलोमीटर पश्चिम, यानी मान लो यहां पर है और ये हो गया 15 किलोमीटर। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर बोला गया शहर बी शहर ए से 15 किलोमीटर पश्चिम में है। तो भैया देखो, शहर ए से 15 किलोमीटर, देखिए 15 किलोमीटर ये भी है, यानी इसके ठीक नीचे यहां पर बी हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस हो गई 15 किलोमीटर। पूछा क्या गया है दोस्तों कि शहर बी शहर सी से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, शहर सी से शहर बी की अगर ये दूरी नापी जाए तो ये देखिए 12 है, तो ये भी 12 होगा, यानी आंसर तो हो गया 12 किलोमीटर। और दोस्तों दिशा पूछा है, तो देखिए यहां पर खड़े होने पर इधर देखना पड़ रहा है और नीचे कौन सी दिशा होती है, तो हम सब जानते हैं कि सर नीचे साउथ होता है। कौन होता है? साउथ होता है, यानी सर 12 किलोमीटर दक्षिण इसका सही जवाब होगा। 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, 12 किलोमीटर दक्षिण इसका सही जवाब है। पूछा गया है शहर बी शहर सी से, तो सी से बी की दिशा पूछी गई, तो सी पर खड़े हो कि बी की तरफ देखोगे तो दक्षिण की तरफ देखोगे और डिस्टेंस होगी 12 किलोमीटर। यही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 12 किलोमीटर दक्षिण। ठीक है दोस्तों, देखिए आज की क्लास में इतने पे खत्म करता हूं चूंकि टाइम हो चुका है। फिर आपसे मिलूंगा कल 12 बजे कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का टॉपिक देखा, आपके एनालॉजी का टॉपिक देखा, डायरेक्शन के टॉपिक देखे, सेलोलिज्म पे काम किया और ब्लड रिलेशन पे काम किया। मैंने आपको 25 सवालों के अंदर 5 टॉपिक का रिवीजन दिया है। कल इसी तरह से फिर से कोई 5 टॉपिकों के साथ हम फिर जुड़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक